الشهداء أحمد مجتبى حضرة محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. फरमाते हैं कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। जाहिर सी बात है कि हुसैन पैगंबर की बेटी के बेटे हैं, बिल्कुल हक है सरकार को कि आप कहे कि हुसैन मुझसे है, लेकिन ये जो साथ ही साथ पैगंबर फरमाते हैं वह अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ, ये रहती दुनिया तक पैगंबर का एक पैगाम है कि देखो अगर मेरा दीन बाकी रहेगा तो हुसैन की बदौलत, मेरा नाम बाकी रहेगा तो हुसैन की बदौलत, मेरा काम बाकी रहेगा तो हुसैन की बदौलत। लिहाजा जहाँ पैगंबर ने फरमाया हुसैन मुझसे है, वहीं पर पैगंबर फरमाते हैं कि और मैं हुसैन से हूँ। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक नबी किस वक्त कहता है मिलनी, ये मुझसे। रवायतों में, हदीसों में आपको मासूमीन अलैहिस्सलाम से मुतालिक बहुत से इरशादात मिलेंगे कि जिनमें बाज अफराद को मासूमीन ने कहा कि ये मुझसे, तो सवाल ये पैदा होता है कि कब एक मासूम कहता है कि ये मुझसे। या इसी तरीके से कुरान मजीद के ऊपर अगर आप नजर करेंगे तो अंबिया अलैहिस्सलाम के वाकयात में भी आपको मिलेगा कि उन्होंने भी कहा कि ये मुझसे। तो एक नबी कब कहता है कि ये मुझसे, तो जब हम कुरान मजीद और अहादीस के ऊपर नजर करते हैं तो हमको दो तीन कुछ मेयार नजर आते हैं मिलनी के सिलसिले में। मिलनी का जो पहला मेयार वो जनाब इब्राहिम की जिंदगी से मिला। जनाब इब्राहिम ने जिस वक्त आंख खोली है उस वक्त जिस तरीके के हालात थे, नमरूद का जमाना था और कोई भी खुदा वहदहू ला शरीक की इबादत करना तो दूर की बात, इबादत की दावत देना तो दूर की बात, इबादत कर भी नहीं सकता था। और ऐसे आलम में जनाब इब्राहिम ने आंख खोली, जिस वक्त जनाब इब्राहिम चलने फिरने के लायक हुए हैं और अपने अतराफ में जो उन्होंने माहौल देखा है, अपने अतराफ में जो चारों तरफ माहौल देखा है, गुनाह का माहौल, खुदपरस्ती का माहौल, उस खुदा वहदहू ला शरीक को छोड़कर इन बनावटी खुदाओं की इबादत का माहौल, तो जनाब इब्राहिम को बड़ी तकलीफ हुई। और जनाब इब्राहिम ने शुरू दिन से उसके खिलाफ बेड़ा उठाया, घर के अंदर पहले और उसके बाद घर के बाहर। जनाब इब्राहिम गलियों में आते थे और उस खुदा वहदहू ला शरीक की इबादत की दावत देते थे। खुद घर में ऐसे अफराद थे अजीजों में, जैसा कि खुद कुरान में कहा है कि चचा हाजर, तो ऐसे अफराद थे कि जिनको खुद जनाब इब्राहिम दावत देते थे, चाहे क्या करते हो, अपने हाथों से कुछ चीजों को करते हो, बाद में उन्हीं को लेकर बाजार में बेच देते हो, इनका ना कोई फायदा है ना कोई नुकसान है, न कुछ खा सकते ना पी सकते ना बोल सकते ना चल सकते न कुछ कर सकते। जब कुछ किसी काम के नहीं है ये, तो फिर तुम काहे के लिए इसके पीछे पड़े हो और काहे के लिए इसकी इबादत की दावत दे रहे हो। चुनांचे जनाब इब्राहिम ने जिस वक्त तबलीग शुरू की है तो उस तबलीग शुरू करने के बाद जनाब इब्राहिम ने आवाज दी थी कि जो भी इन असनाम की इबादत करेगा वो मुझसे नहीं है, फमन तबेअनी फलहु मिन्नी, और जो भी इस सिलसिले में मेरा इत्तेबा करेगा, मेरी इताअत करेगा, यानी बुतों की परस्तिश न करने में, तो वो मुझसे। ये पहला मेयार है कुरान मजीद से मिन्नी का, यानी जब एक इंसान इताअत नबी में, इताअत रसूल में, इताअत खुदा में कामिल हो तो नबी के खुदा कहता है ये मिलनी, ये मुझसे है, एक सलावत भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। दूसरा मेयार इसी पुराने मजीद में, वक्त के बादशाह ने बहुत जल्दी जल्दी बस कौम को बड़ा परेशान किया हुआ था, बड़ी अजियतें, बड़ा जुल्म, कौम ने आगे उस दौर के नबी खुदा के पास शिकायत की
कि जुल्म तो बढ़ता ही जा रहा है, कुछ कीजिए, कुछ इसके खिलाफ आवाज उठाइए। नबी खुदा ने दुआ की, जब उस वक्त के नबी ने दुआ की तो उस अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि हमने तालूत को लश्कर का सरदार बनाया है और यह लश्कर जाए जालूत के मुकाबले में। उस बादशाह का नाम था जालूत, यह लश्कर तालूत के हमराही में, तालूत की सरबराही में जाए जालूत से मुकाबले के लिए। जिस वक्त तालूत को सरदार लश्कर बनाया गया तो कौम से एतराज हुआ। कौम में भी एतराज करने वाले कम तो होते नहीं है, कौम से एतराज हुआ कि ये सब किसको आपने बना दिया, किसको बना दिया, किसको बना दिया, इनके पास न दौलत है, न सरवत है, न कोई इख्तदार और हुकूमत, इनको आपने सरदार बना दिया। फौरन आवाज कुदरत आई, वसादत फिल इल्म वल जिस्म, तुम दौलत न देखो, ताकत न देखो, तुम इख्तदार और हुकूमत न देखो, हमने तालूत को इल्म दिया है और शुजाहत की है। जो मेयार है रहबरी का, कयादत का, लिहाजा हमने तालूत को इल्म दिया और शुजाहत दी है। कौम वाले खामोश हो गए, नबी खुदा ने अल्लाह को हुक्म लोगों को सुना दिया कि देखो कुछ हो या ना हो लेकिन तालूत के पास इल्म है, कुछ हो या ना हो लेकिन तालूत के पास हिम्मत है और शुजाहत है, लिहाजा ये लश्कर का सरदार होगा। जनाब तालूत की सरबराही में लश्कर निकला। अब जो लश्कर निकला तो उस दौर का सफर रेगिस्तान का सफर होता था, दूर दूर पानी का गुजर नहीं होता था, कहीं के ऊपर चश्मा या कोई कुआं मिल जाता था तो लोग मशकीजें भर लेते थे, नहीं मालूम अब कब पानी मिले। चुनांचे लश्कर चलता चला जा रहा, चलता चला जा रहा, चलता चला जा रहा। अब जो लश्कर आगे बढ़ा, रेगिस्तान में पानी नजर नहीं आता, जो उनके पास पानी था वो खत्म हो गया, यहां तक कि घोड़ों की जमाने भी बाहर आ गई। अब जब लश्कर के ऊपर प्यास का ज्यादा गलबा हुआ, सामने एक नहर नजर आई, बेहतरीन साफ शफाफ पानी लहरें मार रहा है, लश्कर वाले खुश हो गए, पानी आ गया, पानी मिल गया, पानी मिल गया। फौरन तालूत ने आवाज दी, खबरदार ये पानी नहीं है तुम्हारी आजमाइश है, ये पानी नहीं है तुम्हारा इम्तिहान है, फलन शरेगा फलैसा मिन्नी, जो भी इस पानी को पिएगा मुझसे नहीं है। मालूम हुआ कि दूसरा मेयार है मिन्नी का, कि जब एक इंसान इम्तिहानों को सर कर लेता है, इम्तिहानों में साबित कदम रह जाए, तो इम्तिहानों में साबित कदम रहने की बुनियाद पर और इम्तिहानों को सर कर ले जाने की बुनियाद पर नबी खुदा कहता है मिन्नी, ये मुझसे है, इसने इम्तिहान को सर किया है, ये इम्तिहान में कामयाब हुआ है। तो मालूम हुआ पहला मेयार नबी खुदा की इताअत और इत्तेबा, दूसरा मेयार आजमाइशों और इम्तिहानों में साबित कदम रह जाना, तीसरा मेयार पैगंबर की हयात से और पैगंबर की जिंदगी से खंदक का मौका है। जिस वक्त लश्कर इस्लाम मैदान खंदक में पहुंचा, सामने लश्कर मुखालिफ है, अरब के जितने भी लश्कर है सब कुफार ने जमा कर दिए। चुनांचे उस मौके के ऊपर जनाब सलमान फारसी पैगंबर की खिदमत में हाजिर हुए और आने के बाद कहते हैं, या रसूलल्लाह हमारे अजम में दस्तूर यह है कि दुश्मन से बचने के लिए खंदक खोद दी जाती है ताकि दुश्मन अचानक हमला ना कर सके और उसमें आग रोशन कर दी जाती है। पैगंबर ने इस मशवरे को कबूल किया, खंदक खुदना शुरू हुई। अब जब खंदक खुद कर तैयार हो गई तो मुहाजरीन और अंसार में मुकाबला शुरू हो गया। मुहाजरीन कह रहे थे कि खंदक खोदने में सबसे ज्यादा हमारा हिस्सा, अंसार कह रहे थे कि खंदक खोदने में सबसे ज्यादा हमारा हिस्सा। मसला था सलमान का, मसला था सलमान का, सलमान किधर जाए। जो मक्के से हिजरत करके आए वो है मुहाजरीन, जो खुद प्रॉपर मदीने के रहने वाले ये है अंसार। सलमान न मदीने के है न मक्के के, ये किधर शुमार हो। और सबसे ज्यादा खंदक खोदने में हिस्सा
जनाब सलमान का था। 300 साल की उम्र लिखी है जनाब सलमान की, 300 साल की उम्र, लेकिन खंदक खोदने में हिस्सा सबसे ज्यादा। शायद यही वजह है कि शहीद मुताहरी ने इस मौके के ऊपर एक जुमला कहा है कि बास जवान होते हैं तो जवान होने के बावजूद बूढ़े होते हैं, और बास बूढ़े होते हैं तो बूढ़े होने के बावजूद जवान होते हैं। जवानी का ताल्लुक उम्र से नहीं है। 18 साल के हैं तो जवान है, 20 साल के हैं तो जवान है, 30 साल के हैं तो जवान है, 40 साल के हैं तो जवान है। इसी तरीके से बुढ़ापे का ताल्लुक उम्र से नहीं है कि मान लो 70 साल के हैं तो बूढ़े हो गए, 80 साल के हैं तो बूढ़े हो गए, 90 साल के हैं तो बूढ़े हो गए। जवानी और बुढ़ापे का ताल्लुक है हिम्मत से, शुजाहत से, हौसले से कि सामने वाले के अंदर हिम्मत कितनी है, हौसला कितना है, शुजाहत कितनी है। अगर एक जवान जवान होने के बावजूद हिम्मत न रखता हो तो यह बूढ़ा है। और इसी के मुकाबले में अगर एक बूढ़ा बुढ़ापे के बावजूद हिम्मत रखता हो तो यह जवान है। एक सलावत भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तवज्जो कीजिएगा, जब मिन्नी का यह मेयार है,
मुझसे, ये मुझसे है, जो इत्तेबा करे वो मुझसे है, जो इम्तिहानों को सर कर ले जाए मुझसे है, जिसका अमल मुहाजिरीन और अंसार सदा ज्यादा हो वो मुझसे है। तो ये जब मिन्नी का ये मेयार है, तो अगर पैगंबर किसी के कहे वो आला मिलल और मैं इससे हूं, तो उसका अमल और उसकी फजीलत और मकाम और मर्तबे का क्या कहना होता। एक सलावत भेजते मोहम्मद वाले मोहम्मद, बुलंदी का नाम है हुसैन, कि जहां अल्लाह का हबीब आवाज दे रहा है कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। जैसा कि मैंने इब्तदाए कलाम में आपकी खिदमत में अर्ज किया कि पैगंबर देख रहे थे कि अगर ये मेरा दीन बाकी रहेगा तो हुसैन की बदौलत, मेरा नाम बाकी रहेगा तो मेरे हुसैन की बदौलत, मेरा काम बाकी रहेगा तो हुसैन की बदौलत। लिहाजा जहां पैगंबर ने फरमाया हुसैन मुझसे है, वही पैगंबर फरमाते हैं अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूं। और हकीकत यही है कि अगर ये करबला का वाकया न हुआ होता, इसलिए कि पैगंबर के इंतकाल के बाद, मैंने इससे पहले भी मायूसों में आपकी खिदमत में गुजारिश की है कि खदीर के बाद, वाकये खदीर के बाद वो दुश्मन कि जो सोच रहा था कि इनके कोई औलाद को है नहीं, यानी कोई बेटा को है नहीं, क्या इस वक्त पैगंबर दुनिया से जाएंगे तो ये दीन खत्म हो जाएगा, ये शरीयत खत्म हो जाएगी, इनकी तहरीक वहीं के ऊपर रुक जाएगी, इसलिए कोई बेटा को है नहीं, कोई वारिस तो इनका है नहीं। अब जब उन्होंने देखा कि खदीर में पैगंबर ने ऐसे को मुंतखब कर दिया है, एक ऐसे का ऐलान कर दिया है कि जिसके सीने में वही दिल धड़क रहा है कि जो रसूलुल्लाह के सीने में। अब इनकी साजिशें खदीर के बाद और तेज हो गई। और मैं यहां के ऊपर एक जुमला कहा करता हूं, फिर दोहरा दूं कि हकीकत में जो कुछ पैगंबर के इंतकाल के बाद हुआ, ये कोई हादसा नहीं था, कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये सब पूरा प्री प्लान था। और खदीर के बाद इस प्लान में और भी ज्यादा तेजी आ गई कि हुजूर ने खुद अभी खुतबे में फरमाया है कि मैं करीब तुम्हारे दरमियान से जाने वाला हूं, और अब तक इन्होंने जो कुछ कहा है वो सच ही हुआ है। लिहाजा इसका मतलब भी है कि दुनिया से जाने वाले हैं। अगर दुनिया से जाने वाले हैं तो इनके दुनिया से जाने से पहले पहले कुछ ऐसा इंतजाम कर लो। चुनांचे उसमें और तेजी आ गई और पैगंबर के इंतकाल के बाद जो पैगंबर से पहले जो नक्शा तैयार किया था उसी नक्शे और रोडमैप के ऊपर अमल हुआ है। अब जब ये उम्मत बहकी तो बहक के किधर गई? जाहिर सी बात है कि जब पैगंबर ने फरमाया था कि देखो अगर हिदायत चाहते हो तो दो चीजें हैं, एक कुरान और मेरे अहले बैत, अगर इन दोनों को तुम दोनों चलावस्ता रहोगे तो गुमराह नहीं होगे, तो नहीं भटकोगे, लेकिन अगर इनमें से किसी एक को छोड़ा तो कहां पहुंचोगे कुछ पता नहीं। वही हुआ, उम्मत जब बहकी और उसने अपना रास्ता खुद चुन लिया। तो मैंने गालिबन कर लिया इससे पहले कि मजलिस में आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि पहला मरहला आया तो कहा कि देखो मैं टेढ़ा हो जाता हूं, जब सीधा हो जाऊं, टेढ़ा हो जाऊं तो सीधा कर देना हमें, यह है उम्मत का बहकना। जब दूसरा मरहला आया तो दूसरे मरहले में अगर अली ना होते तो मैं हलाक हो जाता, जब अली की इतनी अजमत, अली का इतना मकाम, तो क्यों नहीं उनका मकाम दे देते हो? अली ना होते तो मैं हलाक हो जाता। तीसरा मरहला, तीसरे मरहले में इतना इन्हराफ पैदा हुआ कि पूरी उम्मत खुद
खिलाफ हो गई, जिसके नतीजे में कत्ल हो गया। और अब ये उम्मत अमीरुल मोमिनीन की तरफ, अमीरुल मोमिनीन ने शर्तों के साथ कबूल किया, लेकिन पैगंबर के इंतकाल के बाद से ये तो 25 साल का गैप हुआ, इसमें उम्मत इतनी बहक चुकी थी, इतनी मुनहरिफ हो चुकी थी कि ये जो साढ़े चार साल का अरसा मौला अमीरुल मोमिनीन को मिला, ये उसके लिए बहुत कम था। जबकि अमीरुल मोमिनीन ने खुद इसी अरसे में एक ऐसा निजाम कायम किया था कि जहां सबके लिए इंसाफ, सबके अदालत के लिए अदालत, सबको उसका हक, और यही अदालत को इंसाफ ही था कि जिसके सबब अमीरुल मोमिनीन को शहीद किया गया। अमीरुल मोमिनीन की शहादत के बाद सिर्फ 6 महीने मुसलमान इमाम हसन की इमामत और खिलाफत को वक्त टिक सका। 6 महीने के बाद फिर वही चला गया जहां से आया था, 6 महीने के बाद फिर वही चला गया जहां आया था, यानी इमाम हसन के बाद ये उम्मत कहां उड़ी? हाकिम शाम की तरफ, हाकिम शाम की, जिसके लिए खुद पैगंबर की हदीस, पैगंबर की हदीस है कि देखो अगर मेरे मिंबर पे देखना तो इसको उतार देना, इसे कत्ल कर देना अगर मेरे मिंबर के ऊपर इसको देखना। और ऐसे के हाथ में पूरी उम्मत इस्लामिया की सेवाम बागडोर, और सब ने कबूल भी कर लिया, सब ने कबूल भी कर लिया। नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि उम्मत अब तो बहकी 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 बहकी, तो इसने अपने जमाने में, अपने दौर में, अपनी हयात में अपने बाद के लिए जमीन हमवार करना शुरू कर दी। और यजीद की बयत मुख्तलिफ कौमों, मुख्तलिफ बस्तियों, मुख्तलिफ शहरों में लेना शुरू कर दी, जबकि यह उस सुलहनामे की खिलाफ वर्जी थी कि जो इमाम हसन के साथ शुरू हुई थी। इमाम हुसैन ने सब्र किया, इमाम हुसैन से लोगों ने आके कहा कि मौला आप भी खड़े हो जाइए, आप भी कयाम कीजिए, और उसने तो खिलाफ वर्जी की है, वो तो बराबर कानून शिकनी करता जा रहा है, और उसने तो एक भी शर्त के ऊपर अमल नहीं किया, लिहाजा अब तो आपके ऊपर जवाब है, आपके लिए आप खड़े हो जाइए, हक पहुंचता है। इमाम ने फरमाया कि अगर उसने शर्तों को पामाल किया है और अहद को तोड़ा है तो हम अहद को तोड़ नहीं सकते, हम वारिसान कुरान हैं, हम मुहाफिजान कुरान हैं, हम मुतरजमान कुरान हैं, हम वो नहीं कर सकते। चुनांचे जब हाकिम शाम का इंतकाल हुआ तो अब जाहिर सी बात है कि जो मुआहिदा था ये सिर्फ हाकिम शाम की जात तक था, लिहाजा जैसे ही हाकिम शाम का इंतकाल हुआ मदीने में खबर आई, इमाम से बैत का मुतालबा हुआ। अगर बैत का मुतालबा ना भी होता तो भी इमाम खड़े होते, इमाम कयाम फरमाते, लेकिन बैत का मुतालबा पहले हो गया, बैत का मुतालबा हुआ। इसी इंतकाल की खबर के साथ साथ जैसे ही बैत का मुतालबा हुआ इमाम ने अपना मौकिफ वाज़ह कर दिया, मिसली ला युबायिउ मिसला, मुझ जैसा उस जैसे की बयत नहीं कर सकता। चुनांचे इमाम को मालूम था कि इस इनकार का नतीजा क्या होगा, और सिर्फ इमाम ही को नहीं मालूम था, इमाम ने सबको बाखबर कर दिया था। जितने भी अफराद इमाम के काफिले के साथ मदीने से निकले हैं सबको इमाम ने बता दिया था कि देखो इस रास्ते में कौन कौन सी जहमतें, तकलीफें, दुश्वारियां आ सकती हैं, और अगर इन तमाम दुश्वारियों और मुसीबतों को कबूल करने के लिए आमादा और तैयार हो तो बिस्मिल्ला। चुनांचे इमाम मक्के आए और मक्के से आपने कूफे की राह ली, रास्ते में होकर रिसाला मिला और आप दो मुहर्रम को वालिदे करबला हुए। हकीकत में इमाम आली मकाम ने करबला के मैदान में अपनी और अपने असहाब और अंसार की कुर्बानी पेश करके, अपने असहाब और अंसार की कुर्बानी पेश करके रब की दुनिया तक के लिए इस दीन को बचाया, इस्लाम को बचाया, इस कुरान को बचाया, इस शरीयत को बचाया है। और मैं कहा करता हूं कि आज जो भी दुनिया में दीन दिख रहा है, इस्लाम दिख रहा है, कुरान दिख रहा है, इसके ऊपर अगर कुछ थोड़ा बहुत अमल दिख रहा है तो यह सिर्फ और सिर्फ सदका है करबला वालों की कुर्बानी। जिंदाबाद।
हकीकत में कुछ दिन ये नमाजें कुछ दिन की थी, ये रोजे कुछ दिन के थे, ये हज कुछ दिन का था, बाकी धीरे धीरे सब खत्म हो जाता। इन्हीं अय्याम ऐसा में मैंने पहली मजलिस में आपकी खिदमत में किया था कि उसने जो अटैक किया था वो बुनियाद पे अटैक किया, उसूल के ऊपर, शुरू में टच नहीं किया था, उसने नमाजों से नहीं रोका था, रोजों से मना नहीं किया था, कुरान की तिलावत से नहीं रोका था, उसने अटैक किया था बुनियाद के ऊपर, उसने अल्लाह की वहदानियत को निशाना पर निशाना लगाया था, उसने अल्लाह के वजूद पर सवालिया निशान कायम कर दिया था, उसने रसूलुल्लाह की रिसालत पर सवालिया निशान कायम कर दिया था, उसने अइमा की इमामत से इंकार कर दिया था, वो कयामत के ऊपर यकीन नहीं रखता था, लिहाजा उसने अटैक किया था बुनियाद के ऊपर कि जब बुनियाद ही नहीं रहेगी तो ये इमारत कितने दिन चलेगी, जो खुद ब खुद ढह जाएगी, जब ये जड़ ही कमजोर हो जाएगी तो यह दरख्त कितने दिन हरा भरा रहेगा, ये खुद ब खुद सूख जाएगा। लिहाजा हुसैन इब्ने अली उठे, कहा ठीक है, मैं अपनी अपने असहाब और अंसार सब कुर्बानी दूंगा और अगली दुनिया तक के लिए इस्लाम को बचाऊंगा, इस कुरान को बचाऊंगा, इस शरीयत को बचाऊंगा। और वाकई इमाम अली मकाम ने ये कुर्बानी नहीं दी है, शरीयत को बचाया है, दीन को बचाया है, इस्लाम को बचाया है, कुरान को बचाया है। और इस सिलसिले में हकीकत में करबला का पूरा वाकया दो मरहलों में, एक असर आशूर से पहले और एक असर आशूर के बाद। ये जो असर आशूर से पहले वाला मरहला था ये कदर आसान, आसान इनकी इनके लिहाज से, आसान अहले बैत के लिहाज से, हमारे लिहाज से नहीं, आसान अहले बैत के लिहाज से। इन्होंने हमेशा कुर्बानी दी है, इन्होंने हमेशा इसार किया है, इन्होंने हमेशा फिदाकारी से काम लिया है, ये खुद भूखे रहे हैं, दूसरों को खाना खिलाया है, ये खुद प्यासे रहे हैं, प्यासों को पानी पिलाया है, कुर्बानी इनका मिजाज है। लिहाजा ये जो कदर आसूर से पहले वाला इम्तिहान था ये कदर आसान था, खानदानी रवायात के मुताबिक था, लेकिन ये जो असर आशूर के बाद वाला इम्तिहान था ये बड़ा सख्त इम्तिहान था और ये खानदानी रवायात के खिलाफ था, जिनकी मां का जनाजा रात के अंधेरे में उठा हो और उसी की बहू और बेटियां बाजार कूफा और दरबार शाम में ऐसे लाई जा रही थी कि सर पे चादर नहीं थी, हाथ पसे गर्दन बंधे हुए थे, आगे आगे मुनादी की निदा थी, ए कूफा शाम वालों आओ और अहले हरम का तमाशा देखो, जज़ाकुल्लाह खैरा जज़ा, अज़ादारो अज़ादारो, ये करबला के वाकये का असर है। दुनिया में जितने भी इंकलाब आए हैं, जितनी भी तहरीकें चली हैं, दुनिया की एक से एक हस्तियां दुनिया से उठ सकती है, लेकिन जैसे जैसे जमाना उससे दूर होता है उसका असर कम होता जाता है, उसका असर खत्म होता जाता है, लेकिन ये वाहिद इमाम हुसैन की कुर्बानी है कि जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ा है इसका असर और बढ़ता चला गया है, इस कुर्बानी का असर और बढ़ता चला गया है। और क्यों न हो, इसलिए कि खुद पैगंबर ने फरमाया था कि जिस वक्त जनाब चौथे इमाम ने जनाब ज़ैनब ने सवाल किया है ये मेरे नाम में तेरी क्या कैफियत दे रही हो, लगता है कि रूह निकल जाएगी। उस मौके पर चौथे इमाम ने फरमाया था कुबी अम्मा आपने इन जालिमों को नहीं देखा, इन्होंने अपने नजीस कुश्तों को दफन कर दिया, लेकिन हाय मेरे बाबा का बादशाह। उस मौके पर जनाब ज़ैनब ने एक हदीस सैयद सज्जाद को सुनाई थी, ए बेटा सैयद सज्जाद मैंने उम्मे अयमन से सुना, उम्मे अयमन ने पैगंबर से सुना है कि पैगंबर ने फरमाया कि यहां पर मेरे भाई का रोजा बनेगा, यहां पर मेरे भाई का रोजा बनेगा और ज़ायरीन दूर दूर से आएंगे, मेरे भैया की जियारत करेंगे। सदा का रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह आपने सच कहा था, जरा आइए करबला में जाइए देखिए, करबला में ज़ायरीन का हुजूम। अभी कल की जो रिपोर्ट है, कल तक 1.5 करोड़ से ज्यादा ज़ायरीन करबला पहुंच चुके थे, जबकि अभी ज़ायरीन के आने का सिलसिला मुसलसल जारी है। तो अजीज़ाने मोहतरम, जैसे जैसे समय आगे बढ़ा है इस करबला का वाकये का असर और भी ज्यादा कौमों के ऊपर और जमाने के ऊपर होता चला गया है। चुनांचे ये काफिला करबला से कूफा और कूफा से शाम, और शाम में ऐसे तहखाने मुकय्यद किया गया कि जहां दिन की धूप
और रात की ओस जब शाम होती थी सकीना तेरे जिंदान पे आ जाती थी और जब टायरों को जाता हुआ देखती थी तो पूछती थी कि अब्बा ये कहाँ जा रहे हैं। और जब जनाबे ज़ैनब फरमाती कि बेटी शाम हो गई है ये अपने अपने घरों को जा रहे हैं तो जनाबे सकीना साहब कहती थी कि अम्मा इन टायरों को अपना घर नसीब अरे हमें अपना वतन कब मिलेगा। लेकिन रज़ादारो सकीना की आरज़ू दिल ही दिल में रख गई। यली को उसके ख्वाबों ने परेशान किया जब भी सोता था रसूलुल्लाह आ जाते थे मलून में लाल ने क्या बिगाड़ा था। यली सो न पाता था। एक दिन सैयद सज्जाद को तलब किया हमने तुमको रिहा किया है तुमको इख्तियार है तुम जहां भी रहना चाहते हो रहो। हम कड़ियों और बेड़ियों को जुदा किया गया। सानिया जहरा ने पैगाम भिजवाया कि यजीद से कहो कि शाम में एक मकान खाली करा दे ताकि अपने भैया का हम मातम कर सके अपने भैया के ऊपर दिल खोल कर रो सके। लीजिए शाम में मकान खाली हुआ। सात दिन तक वाह हुसैना वाह और बता वाह उम्मत की सदाएं बुलंद रही। सात दिन के बाद अब ये काफिला मदीने जाने के लिए तैयार है। जिस वक्त अमालिया लाई गई है अब ज़ैनब की नजर पड़ी है तो रुतबा कांप गई। देखा आज नाके भी है नाकों के ऊपर अमालियों भी है अमालियों के ऊपर रखमली पर्दे भी पड़े हुए हैं पर जब मंडवा आवाज की फिजा जाकर अजीज से कह दो कि ज़ैनब लुट के जा रही है। ज़ैनब लुट के जा रही है लिहाजा ये रखमली पर्दे उतार लिए जाए सियाह पर्दे लगा दिए जाए। अमालियों के ऊपर सियाह पर्दे लगाए गए। बीबियां अमालियों में सवार होने लगी आओ उम्मे लैला आज अभी एक पर नहीं है ज़ैनब तुमको सहारा देगी आओ उम्मे फ़ज़ला आओ उम्मे अमान आओ उम्मे कुलसूम सबको सवार कर दिया। जब सब सवार हो चुके ज़ैनब तय खान शाम के एक गोशे में आई अपने नन्ही सी कब्र पे गिराया। सकीना बेटा तुमको बड़ी तमन्ना थी जवाब तो दे दो कब्र से हमारे भाई ए मेरे नाम के
गाड़ियों से उतार